इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। मधुर आवाज निकली बाज सुराग का इसमें गांडर लगा तंतु जो चाहे सो नहीं बोल सकता है। गोस्वामी जी कहते हैं हमारे तो बस का ही नहीं। देवता डर गए हो, आनंदी व्यक्ति को देखकर, सुखी व्यक्ति को देखकर भी देवता घबराते कहे अब तो मेरे को ये पूछेगा ही नहीं। इसलिए उत्पात करते रहते हैं देवता लोग कि कुछ खटपट होता रहे तो हमारी भी पूछ बनी रहे। आवत देखे विषय बयारी तुरते देई कपाट उगाए। मेरे को तो बहुत उलझन होती है इन लोगों से। श्री हनुमान जी भगवान भरत जी से मिले, शत्रुघ्न जी से मिले, देवताओं को देवगुरु बृहस्पति ने संभाला, पुष्पवृष्टि करो किए, भरत जी माँ के चरण की रज माथे चढ़ाए। सानुकूल सब विद लख सीता भे निशोच उर अपडर। माँ को सब प्रकार अनुकूल जानकर भरत जी निश्चिंत हो गए। इतने में निषाद जी ने कहा कि गुरुदेव गुरुमा और माता लोग भी आई हैं प्रभु। प्रभु दौड़ पड़े, शत्रुघ्न जी को माँ के पास रख दिया, भरत जी को लेकर दौड़ पड़े। गुरुदेव को देखकर भगवान ने दंडवत किया, माँ गुरुमा साहब को भगवान ने दंडवत किया, सबको लेकर आश्रम पधारे। महाराज ने सबको बैठने को कहा और एक बार भाव श्रद्धा में महाराज के लिए कुछ माइक चर्चा कर श्रद्धांजलि रखी गई। मेरे स्नेहवश पूज्य पिताजी का शरीर शांत हो गया, अपना प्रेम जानकर मेरे प्रभु आज इतना रोए जैसे महाराज का महाप्रयाण आज ही हो। सब समाज आज निरंब रहा, कोई जल भी ग्रहण नहीं कर रहा है। गुरुदेव की आज्ञा से जो विधिक कर्म है प्रभु ने संपन्न किया है। मनुस्मृति कहती है कि कैसे कैसे हमको सुतक का श्राद्ध का निर्वाह करना चाहिए, शास्त्र विधि का यथासंभव पालन हो, यही सनातन धर्म है। दो दिन बिता श्रद्धांजलि भाव में। भरत जी सोचते हैं कैसे प्रभु अयोध्या चलेंगे। गुरुदेव भगवान कहेंगे ना माँ हाँ मैं आग्रह करूं, मैं तो सेवक हूं, रात भर यही भरत जी सोचते रहे। सवेरा हो गया, प्रातःकाल प्रातर विधि से निवृत्त होकर जैसे बैठे ही थे गुरुदेव भगवान का बुलावा आया। सब समाज जहां गुरुदेव भगवान का निवास था वहां जुटा। सचिवगण, माताएं, भरत जी, ऋषिमंडल, क्यों एक बैठक इस बात के लिए गुरु जी ने बुलाई है
कि राम जी से क्या और कैसे कहा जाए कि राम जी अयोध्या चले। मित्रों, माताओं, स्नेही जनों, धर्म और सत्य अपरिवर्तनीय सत्ता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। तब अब धर्म का न व्यवहार बदलता है, न विहार बदलता है, न चर्चा बदलती है, न सत्य का सिद्धांत बदलता है, न घटता है, न बढ़ता है। सतयुग में था वही त्रेता में रहेगा, त्रेता में था वही द्वापर में था, जो द्वापर में है वही कलयुग में। ये बदलने का नाम नहीं, ये अपरिवर्तनीय सत्ता है, दोनों बदलेगा नहीं। सब लोग विराज गए, गुरुदेव भगवान ने बोलना प्रारंभ किया। सभासदों, भरत भैया, देवियों, सज्जनों, सब लोग कान खोलकर हमारी बात सुनिए। धर्म की धुरी को धारण करने वाले सूर्य वंश के सूर्य राजा राम स्वयं में भगवान हैं। भगवान का अर्थ आप जानते होंगे, भ माने भूमि, ग माने गगन, व माने वायु, अ माने अग्नि, न माने नीर। पांचों तत्व जिनकी आज्ञा से पालन करके व्यवहार करते हैं उन्हीं का नाम है भगवान। जीव भगवान नहीं हो सकता। दूसरी बात, जो जन्मा है वो भगवान नहीं है, वो भगवान जैसा है। बोले को भगवान बोले रहो, हमें कौन पैसा लगना है, डरना है नहीं किसी से। जो विकार से जन्मा है वो भगवान नहीं हो सकता। भगवान सकल विकार रहे जगत जन्मा है वो भगवान नहीं है, और वो मरेगा क्योंकि भगवान नहीं है। भगवान न जन्म लेते न मरते। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या इस भारी अद्भुत रूप बिचारी माता पुण्य बोली बस भगवानू। क्या कहा गुरुदेव ने, धर्म धुरीन भान कुल भानु। धर्म की धुरी को धारण करने वाले सूर्य वंश के सूर्य राजा राम स्वयं भगवान है। क्या है? स्वयं भगवान है, सत्य प्रतिज्ञ है, श्रुति के पुल के पालक हैं, वेद पुल के पालक हैं। कौन? राम जी। राम जी का जन्म जगत के मंगल व्यवहार को संपन्न करने के लिए हुआ है। गुरु पिता माता के वचन पालन करते हुए दुष्टों का दलन करके देवताओं का मंगल करने हेतु भगवान ने जन्म लिया। गुरु जी का उपदेश है नीति धर्म नीति प्रीति सत्य प्रेम जेहि राम पद। परमार्थ सत्कर्म
स्वार्थ, जीव का अपना मंगल, कोई भी राम जी के जैसा सत्य स्वरूप अर्थात यथार्थ में जानता नहीं है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, चंद्रमा, सूर्य, समस्त दिग्पाल, माया, जीव, सबके कर्म और साक्षात्काल, राजा, प्रजा, जहाँ तक सबकी प्रभुता है, योग सिद्धि श्रुति स्मृति में जो गाई गई है, आप सब लोग विचार करके देखो, सबके सिर पर राम जी की ही राजाज्ञा लागू है। एक गुरु जी का पहला उपदेश है, अब उपदेश तो गुरु जी ने कर दिया, अब परिणाम कहते हैं, यही भरत चरित्र है। क्या कहते हैं? राखे राम रजाई रुख, हम सब कर हित। एक गुरु जी का निर्णय है, क्या निर्णय है? राखे राम रजाई रुख, हम सब कर हित। अब समुझि सयाने करो सब मिले सम, सृष्टि में कंकड़ से लेकर कंकड़ी से लेकर पितामह ब्रह्मा विष्णु शिव तक सबके सिर पर राम जी की राजाज्ञा लागू है। राम जी के रुख की रक्षा करते हुए उनकी राजाज्ञा मानकर चलने में ही हम सबका भला है। इसके बाद भी आप में से सभी लोग बुद्धिमान हैं, समझदार हैं, सयाने हैं, विवेकी हैं, अब बताइए आगे क्या किया जाए। जितने लोग थे सबका मुंह झुराई गया, कहे अब जब गुरु जी कह रहे हैं राम रजाय शीस सभी के करौ का असमंजस जी के, तो बचा ही क्या है? अब केवल व्यवहार है, लीला चरित्र है। गुरु जी ने सभा को विसर्जन नहीं किया, कोई बोला नहीं, भरत जी हाथ जोड़कर अपनी बात रखे। तो गुरुदेव ने कहा कि भैया हमसे क्या कह रहे हो, आप राम जी से ही रख दो। तो राम जी से क्या रखेंगे, क्या कहेंगे? श्री हनुमान जी की ऐसी इच्छा है कि भरत जी क्या कहते हैं, इस भाव की चर्चा हम लोग अब कल करेंगे। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।